दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। डूंगरपुर और आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहे एकता समाचार। हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। एकता समाचार के माध्यम से ये गौरा पिता मांझी बुनकर गांव चित्री ग्राम पंचायत गलियाकोट सागवाड़ा के है और ये बचपन से ही अंधे है। 2 साल से के थे जब से इनकी आंखें चली गई है और एक विशेषता ये है कि ये मोबाइल भी बिना देखा देखे चला लेते हैं। गाने का भजन का भी काफ़ी शौक है इनको और 1 से 2 किलोमीटर पैदल अगर जाना हो तो भी चले जाते हैं। आज ऐसी शख्सियत से मैं आपको रूबरू करवा रहा हूँ एकता समाचार के माध्यम से। हाँ भाई, गौरव भाई, हमारे एकता समाचार के माध्यम से आपका एक स्वागत है पहले तो। जी सर। हाँ बताइए, आपका पूरा नाम क्या है? गौरव बुनकर। अच्छा अच्छा अच्छा, आप कब से अंधे हो? 2 साल। ये बिना नहीं, आपकी आंखें कब से गई है? 2 साल। हाँ, वो बचपन से। बचपन से दो साल का था। अच्छा अच्छा, हमने सुना है एक विशेषता ये है कि आप मोबाइल, किसी का भी नंबर एक बार आपके दिमाग में फिर डिफॉल्ट जाता है तो आप बिना देखा देखी उस नंबर को आप डायल कर देते हो, ये विशेषता कहाँ से सीखी आपने? आप जैसे ने अगर एक बार दो बार बता दिए तो मैं सीख गया। अच्छा अच्छा अच्छा, और क्या क्या आप करते हो? कभी कभी भजन वगैरह गा लेते हैं, कभी थोड़ा थोड़ा गाना गुनगुनाते हैं, बाकी टाइम पास करते हैं वैसे। आपके घर में कौन कौन है? माँ है, बाप है, भाई हैं, लेकिन सब गरीब परिवार है हमारे। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके कमाने का जरिया क्या सा? कमाने का तो क्या है, खेती है, ज़्यादा तो है ही नहीं, खेत भी ज़्यादा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, सरकार की तरफ से कोई लाभ है साहब? सरकार की तरफ से सर 750 रुपये मेरे को मिल रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो और यहाँ पे उचित मूल्य की दुकानें होती है जैसे, या कोई उसमें कोई गेहूँ वगैरह या कोई आपको मिलता है? नहीं मिलता है सर। अच्छा, इनकी एक विशेषता है कि ये हमारे एकता समाचार के का नंबर भी डायल करके अपने मोबाइल से बता देते हैं। गौरव भाई जी सर, हमारे एकता समाचार का नंबर क्या, आप डायल करके बताइए। हाँ ठीक ठीक सर। 3। आपने कौन से नंबर डायल किए बताइए हमारे एकता समाचार के, बोलिए हमारे एकता समाचार के नंबर क्या है? 9414। जी जी जी, बराबर। 56। जी जी जी, और 68। बराबर। और 63। क्या हिंदी में, हिंदी में बोल के बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ जी सर, 94 14 56 68 63। बिल्कुल बिल्कुल, ये किसका नंबर है? ये एकता समाचार। समाचार सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हम एकता समाचार न्यूज सागवाड़ा से हैं। ये हमारे पास है गवरालाल जी और उनके पास है मदर। तो गौरीशंकर जी, आप मुझे ये बताइए कि मैंने सुना है कि आपको गाने का और भजनों का बहुत शौक है। जी सर। हाँ। मैं चाहता हूँ कि आप कोई अच्छा सा एक प्यारा भजन सुनाए। छोटा सा दिल में लगन लगे मन राम मिलेगा कहीं न कहीं, छोटा सा दिल में लगन लगे मन राम मिलेगा कहीं न कहीं, अरे राम मिलेगा कहीं न कहीं, सावरियो मिलेगा कहीं न कहीं, अरे राम मिलेगा कहीं न कहीं, सावरियो मिलेगा कहीं न कहीं, छोटा सा दिल में लगन लगे मन राम मिलेगा कहीं न कहीं। बहुत सर, बहुत बहुत बढ़िया। ये नाम मुझे हुई, हमारे चित्रीकरण में हम खड़े हुए हैं जहाँ पे एक हमारी बहन शांति, शांति भाई है जो विधवा है। शांति भाई बताइए आपकी स्थिति क्या है और आपकी स्टोरी थोड़ी बताइए हमारे एकता समाचार में। सर हमारी स्थिति ये है कि मैं बचपन से शादी कराई थी मेरी,
जब मैं 6 साल की थी तब मेरी शादी कराई, तब से मैं बड़ी हुई, वो बूढ़े हो गए, उसके बाद 15-20 साल की हुई और मैं वो मर गए और मैं एकली थी, तो वहाँ से लोगों ने ऐसा कुछ करा दिया तो मैं कहीं जाने लायक नहीं रही। इसके बाद मैं यहाँ भाइयों के पास में पड़ी रही और अभी 20-22 साल से मैं पंचायत समिति से जमीन लेके ने थोड़ा सा टापरा बनाया है और थोड़ा बहुत कहीं सिलाई का काम कर लेती हूँ और 500 रुपये विधवा पेंशन मिलती है, 5 किलो गेहूँ मिलते हैं, बस उसमें गुजारा कर लेती हूँ। आपका कोई ऐसा जरिया कमाने का या नहीं? नहीं सर, कोई नहीं है, मेरा कोई जरिया नहीं है, नहीं पढ़ी लिखी हूँ कि नहीं कुछ नहीं। अच्छा, हमारे एकता समाचार के माध्यम से हमने एक अभियान छेड़ा है कि भाई ऐसे गरीब परिवार को जन सहयोग या कोई मिलता है तो हमारे एकता समाचार के माध्यम से आप हमसे संपर्क करें। हमारे सहयोगी भाई प्रतीक जी बुनकर भी हमारे इस समाचार एकता समाचार में हमारे से जुड़े हुए हैं, इनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं क्योंकि ये एक गौरव भाई जो अंधे हैं और बहना शांति भाई जो विधवा है जिसको कमाने का कोई जरिया नहीं है, तो हम एकता समाचार के माध्यम से ऐसे गरीब लोगों को अगर जन सहयोग मिलता है तो उनको आप करेंगे तो आपका भी भला होगा। और हमारी ये माता जी आपके बारे में बताइए। हमें तो जन्म तो हमारा घनी बीती रही है, 5-10 मानिया ने रोटी रोटी का कोई जरिया नहीं है आपका? तो कोई चलो चलो नहीं। चलो नहीं, भगवान पूरा करेगा आपका, मालिक पूरा करेगा। अच्छा अच्छा, पियर में भी कोई नहीं? हाँ, पियर में कोई नहीं है। ये माता जी वागड़ी भाषा में बता रही है कि मेरे ससुराल के अंदर भी कोई नहीं है और यहाँ पे भी कोई नहीं है, मेरा सहारा कुछ नहीं है, बस ये बेटे को लेके मैं बैठी हुई हूँ, तो अगर जन सहयोग कुछ मिलता है तो हमें सरकार की तरफ से भी हमें मिले, सब कुछ हमें मिले, ये चाहते हैं। सरकार को एक दया करो तो आप जानो, हमें तो कर चुके, हमें तो अंधो हो, अनपढ़ हो, अंधो हो, अज्ञानी हो, कोई जानो नहीं। चलो, एकता समाचार के माध्यम से आज ऐसे परिवार से हमने आपसे रूबरू करवाया, मैं शेख राजू भाई, हमारे सहयोगी प्रतीक जी बुनकर के साथ एकता समाचार।